यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने एफ का दिखा रखा है, एक फ्री एंड पे, ठीक है, ये दिखा रखा है, दिस इज अ यूनिफॉर्म लॉड, इसकी मास एम और लेंथ एल मान लो, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मास 2m मान लो, और नीचे का सरफेस हमें स्मूथ दे रखा है, और रॉड जो है वो ब्लॉक के ऊपर ही हिंज किया हुआ है, आपको डायग्राम दिख रहा है ना? हिंज्ड है, हाँ हिंज्ड है, हिंज्ड है, ब्लॉक के ऊपर ही एक हिंज लगा रखा है और उस पे रॉड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ रही है। यस सर। क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने, फाइंड द इनिशियल, मतलब इसी इंस्टेंट पे इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। फिर से शुरुआत करें, रॉड के लिए मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का होगा ना, कोई नहीं होगा। तो रॉड का COM का मैं दिखा रहा हूँ, रॉड के COM का एक एक्सेलरेशन लीनियर मान लेते हैं, ये एक A1 है, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ये आपका अल्फा मान लेते हैं, और जो ब्लॉक है वो तो पक्का है आपका पीछे ही जाएगा, क्योंकि रॉड जो है वो उसका हिंज से आपका रिएक्शन पीछे मिलेगा, तो ये ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ जा रही होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ हमने A2 मान लिया, ठीक है। फोर्सेज अगर दिखाएं तो रॉड के ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं NY, एंड एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दिखा रहे हैं NX, एकदम बॉटम एंड पे दिखाएंगे, ठीक है, ये NX, और यही जब आप वेज पे मतलब ब्लॉक पे दिखाओगे तो NX उल्टा हो जाएगा और NY भी आपका उल्टा हो जाएगा, समझ आई आपको डायग्राम? यस डायग्राम, ठीक है। तो इस केस में अब आपके पास यू नो वर्टिकल डायरेक्शन का तो कोई काम नहीं हमारे लिए, मतलब NY हमारे लिए कोई यूसेज का नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, एक तो A1 है वेरिएबल है, एक A2 वेरिएबल है, एक अल्फा वेरिएबल है, और एक NX वेरिएबल है, चार वेरिएबल है ना, हाँ सर, चार वेरिएबल के लिए अगेन चार इक्वेशन, रॉड के लिए ट्रांसलेशन और रोटेशन का, मतलब F इक्वल टू MA और टाउ इक्वल टू I अल्फा, ये दो इक्वेशन हो गए, ब्लॉक के लिए क्या एक्सेलरेशन, मतलब F इक्वल टू MA का इक्वेशन, और एक कौन सा बच गया आपके लिए, और एक बच गया आपका कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब जो रॉड का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्लॉक के साथ है उसका एक्सेलरेशन तो कॉमन होना चाहिए ना, हाँ सर, मतलब हिंज में जो कॉन्टैक्ट है वहां पे तो हिंज का जो पॉइंट है रॉड पे, रॉड का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वही एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का भी होना चाहिए, तो वो एक कंस्ट्रेंट बनेगा, तो वो कंस्ट्रेंट देखो क्या बन रहा है, अगर आप रॉड से देखोगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा हिंज का वो रोटेशन की वजह से आएगा अल्फा इंटू एल बाई टू बैकवर्ड्स, एंड ट्रांसलेशन की वजह से आएगा फॉरवर्ड A1, और आपको ये पता है कि हिंज जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, हाँ सर, A2. तो कंडीशन क्या बना आपका कि A2 हैज टू बी इक्वल टू अल्फा एल बाई टू माइनस A1, हुआ या नहीं हुआ, समझे? तो ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया पहला, अब नेट दूसरा रॉड के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, रॉड के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F प्लस NX दैट हैज टू बी इक्वल टू M इनटू A1, सही है, सही है। तीसरा टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क के लिए कौन सा पॉइंट प्रेफर करोगे, हिंज वाला पॉइंट अगर देखोगे तो एक्सेलरेटेड पॉइंट है तो सुडो फोर्स लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसका अननेसेसरी झमेले में नहीं पड़ते हैं, हम कौन सा पॉइंट ले लें, COM को ले लेते हैं, हाँ COM के ऊपर बैठ जाते हैं, तो COM के ऊपर बैठोगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि सुडो टॉर्क नहीं आएगा, तो अब टॉर्क किसका दिखेगा, COM पे बैठ के देखें, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू COM विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू COM इनटू अल्फा, ठीक है, तो अब देखेंगे तो F इनटू L बाय 2 दैट इज क्लॉकवाइज माइनस NX इनटू L बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 12 इनटू अल्फा, समझ आई? हां सर, तो इक्वेशन क्या बना आपके पास, F माइनस ऑफ NX दैट इज इक्वल टू M इनटू अल्फा L बाय 6, ये हो गई आपकी थर्ड रिलेशन, ठीक है, और चौथा इक्वेशन ब्लॉक के लिए तो नेट फोर्स आपका NX ही है और NX इक्वल टू MA कर लेंगे 2M into A2, सो NX इज इक्वल टू 2M into A2, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन,
दिख रही है, फिर से देखो सेम सिचुएशन आ गया है। मैंने आपको जो बताया कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन में आप सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ए टू का वैल्यू, अल्फा एल का वैल्यू और ए वन का वैल्यू को निकालो और बाकी सब इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो उसी इक्वेशन को यूज कर ले, तो ए टू इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू माइनस ऑफ ए वन था, अब इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए टू का वैल्यू इज एन एक्स बाई टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा एल, अल्फा एल का वैल्यू इज सिक्स टाइम्स ऑफ एफ माइनस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एम एंड माइनस ऑफ ए वन, ए वन इज एफ प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एम। समझ आई सभी को? देखो तो awesome. तो ये रिलेशन आपका फाइनली हो गया, ये दिस इज थ्री एफ माइनस थ्री एन एक्स माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ एन एक्स, तो ये हो गया आपके पास 2f माइनस 4nx और इधर चला जाएगा तो 4 प्लस हाफ मतलब ये 9nx बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब nx की जो वैल्यू हो गई दैट इज 4f बाई 9। ठीक है, nx मिल गया आपको और एक बार अगर nx मिल गया तो a2 भी मिल गया आपको, सो देयरफॉर a2 बिकम्स nx बाई 2m था, तो ये जाएगा आपके पास 2f बाई 9m आ जाएगा। हो गया आंसर?